सभी का स्वागत करती हूँ और मैं आज आप सबसे मुलाकात करवा रही हूँ अलीफ चिकन मामना, जो चिखली हाईवे पे है और प्रिंस होटल के पास में जो आई हुई है होटल। और जो भी नॉनवेज खाने के चाहक है, जिनको नॉनवेज खाना पसंद है, वो यहाँ पे इतने, जिस तरह से आप देख रहे हो, जो यहाँ का जो वातावरण है और यहाँ की जो सिस्टम है, यहाँ का जिस तरह से माहौल है, वो माहौल में अगर यहाँ पे आके आप, और वैरायटीज़ जितनी भी नॉनवेज में यहाँ पे वैरायटीज़ है, वो पार्किंग की सुविधा के साथ आप यहाँ पे खाने के लिए आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे विशाल बड़ा पार्किंग भी है इस होटल के अंदर। जो भी लोग आते हैं, पार्किंग भी अच्छी तरह से यहाँ पे करके आसानी से यहाँ पे नॉनवेज के चाहक जो है वो ज़रूर यहाँ पे एक बार मुलाकात करेंगे, कर सकते हैं, और यहाँ की जो वैरायटीज़ है वो खा सकते हैं। और यहाँ का जो माहौल है उसकी हम बात करें तो इतनी अच्छी, जिस तरह से वुडन की शायद है वो छोटी छोटी मंडली बनाई हुई है, और उसमें सब लोग बैठ के जिस तरह से खाना खा रहे हैं, मज़ा भी ले रहे हैं खाने के साथ में। और यहाँ पे आप देख सकते हो, हम दिखा रहे हैं आपको कि जो बच्चे भी यहाँ पे आते हैं, बच्चे के लिए भी यहाँ पे अच्छी सुविधा है। और जिस तरह से पुराने ज़माने में जैसे गल्ले में बैठ के सब लोग जाते हैं बाहर, वे इस तरह का पुराना ये चीज़ भी लगा हुआ है। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हो, और मैं आप सबसे मुलाकात करवाने वाली हूँ यहाँ के जो ऑनर है, उनके साथ भी हम बात करेंगे कि यहाँ पे क्या वैरायटीज़ मिलती है, किस तरह की सुविधाएं हैं, वो हम उनसे बात करेंगे। तो यहाँ के ऑनर से हम बात करते हैं, और मैं वापस आप सबको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे देखिए आप कि किस तरह से ये पूरी होटल का जो वातावरण है वो आपको देखने को मिला। जी, अलीफ के आप शायद ऑनर है, तो आपका नाम क्या है? नकी अजीम। क्या है? नकी अजीम। जी नकीम जी, यहाँ का ये जो होटल की सुविधाएं है उसके बारे में बताइए। तो जो हमारे खास करके ये चिखली में आई हुई है और सूरत के जो हमारे चाहक है, शायद नॉनवेज खाने के लिए नवसारी तक भी आते हैं, तो चिखली तक भी आते हैं, तो आप बताइए कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है और किस तरह की सुविधाएं हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल के लोग हमारे वहाँ स्पेशली आते हैं मामने खाने। सूरत हो, भरूच हो, बड़ौदा हो, इधर बॉम्बे हो, काफ़ी सारे लोग हैं जो स्पेशली मामले खाने के लिए यहाँ पे आते हैं। अब फैसिलिटीज़ में तो आपने देखी है कि काफ़ी सारा एम्बियंस हमने बना रखा है, इबादत खाना है नमाज के लिए, बच्चों के खेलने के लिए आगे प्ले ग्राउंड टाइप बना हुआ है जी, आर्ट्स वगैरह है, काफ़ी सारा हमने डेवलप किया है कि पब्लिक आए, अपना मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ स्पेंड करे और अच्छे से खा के जाए। तो यहाँ पे कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? काफ़ी दूर दूर से आते हैं, स्पेशली सूरत से आते हैं, उससे आगे चलो तो भरूच से आते हैं, बड़ौदा से आते हैं, फिर हाईवे पे से जो लोग हैं अहमदाबाद से भी कभी कभी आते हैं, जो बॉम्बे रनिंग करते हैं वो लोग भी खाने आते हैं, फिर इधर से बॉम्बे से आते हैं, भिवंडी से आते हैं, मनोर से आते हैं। तो यहाँ की अलीफ की स्पेशल वेराइटीज़ क्या है? अलीफ में हमारे पास स्पेशल है अलीफ मामना है, जो हम लोग अगर आउट ऑफ गुजरात से जाओ तो उसको कबाब बोलते हैं, हमारे यहाँ स्पेशल है मामने, ये मामने खाने ही लोग स्पेशली यहाँ आते हैं। मामने फिर दूसरी भी काफ़ी सारी वेराइटीज़ आपने मेनू में देखी होंगी, जैसे अली स्पेशल टिक्के बोनलेस है, फिश में हमारे पास काफ़ी सारी आइटम है, प्रॉन्स है, अलीफ टिक्के जो दही वाले बनते हैं, बोन टिक्के होते हैं, वैसे हम कहीं भी जाओ तो बोनलेस मलाई टिक्का होता है, लेकिन हमारे पास एक अलग वेराइटी है अलीफ टिक्के दही वाले, वो सिर्फ यहाँ ही मिलेंगे आपको, और कोई जगह नहीं मिलेगी। बाकी फिर चाइनीज़ में काफ़ी सारी आइटम्स है, तवा भी अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंशाल्लाह। तो ये कितने साल से, मतलब ये यहाँ पे है होटल? ये होटल मई में हमारे 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो
अभी और कुछ यहाँ पे नया आएगा क्या है कि क्योंकि अभी जिस तरह से मैंने देखा है कि काफी सारा डेवलप हो गया है यहाँ पे, तो अभी क्या आप कुछ नया करने वाले हैं जी इधर? बिल्कुल, नया तो हम करते ही रहेंगे, जैसे जैसे अपग्रेड आता रहेगा, मतलब हमको भी अपग्रेड होने की ज़रूरत है हर बात में। अभी नया कुछ ना कुछ जैसे कुछ दिमाग में आएगा वो करते जाएंगे यहाँ पे। बहुत ही अच्छी बात है। जफर जी, आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? आप भी यहाँ के मतलब जी हाँ, मैं रेगुलर यहाँ पे आते रहता हूँ और ये बहुत ही अच्छा एम्बियंस है। मतलब हमारे बॉम्बे के जो फ्रेंड्स लोग हैं वो भी यहाँ तक के आते हैं। अभी इन लोगों ने जो साइड में अभी है, हम लोग यहाँ पे पार्टी प्लॉट स्टार्ट कर रहे हैं, तो पूरा ओपन है, लॉन रखा है और वीकली यहाँ पे हम लोग गज़ल और सिंगिंग का भी हम लोग रखने वाले हैं। तो ये अगर किसी को छोटी मोटी अगर पार्टी करना हो तो वो भी हम लोग अभी यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। ये एक बहुत अलग लेवल से हम लोग, और जितने हमको फीडबैक मिलते हैं, जितने हमारे कस्टमर जहाँ से भी आते हैं, उनके जो भी उनके फीडबैक होते रहते हैं, वो उनके हिसाब से हम लोग यहाँ पे चेंजेस करते रहते हैं, और जो भी जो सजेशन उनके होते हैं उसको हम लोग सामने रख के हम लोग ये यहाँ पे हम लोग चेंजेस करते रहते हैं। अभी आप देख रहे हो कि काफ़ी लोग यहाँ पे काफ़ी अलग अलग जगह से आए हुए हैं, कोई सूरत से आए हैं, कोई कहाँ कहाँ से आए हैं, और ये जो सामने जो दिख रहा है ये पार्टी प्लॉट का भी हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं। तो ये भी एक यूनिक हम लोग चीज़ लेके आए हैं। यहाँ पे जो मेन चीज़ जो है, यहाँ पे एथनिक सारी चीज़ें मिलती है, जैसे कि ये मामना हो गया, या चिकन टिक्का हो गया, या राइस में है या चाइनीज में है। मैं और एक जो हमारे मेन ऑनर जो है मिस्टर अबरार अहमद, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो कुछ बातें जो आगे ये क्या यहाँ पे करना चाहते हैं और किस तरीके से इसकी इन्होंने तैयारी की है, और फीडबैक लोगों का जैसे जैसे आते जाता है वैसे हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो अबरार भाई, थोड़ा आप भी इसके ऊपर थोड़ा अपने रोशनी डालिए कि इसमें हम लोग आगे क्या क्या कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच जफर भाई, और आपकी टीम को बहुत बहुत मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोग वक्त निकाल कर यहाँ पर ये कवरेज के लिए आए हैं, और सब जितने भी व्यूअर्स हैं सबको मेरी तरफ से गुड इवनिंग। और आज आप लोग यहाँ अलिफ होटल, जो अलिफ चिकन के नाम से चिखली में जाना जाता है, वहाँ पर जफर साहब और उनकी टीम यहाँ आई है। ये जो होटल का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर चिखली जो है वो यहाँ पर चिखली में चिकन के मामले और मटन के मामले के लिए जाना जाता है। ऑल ओवर गुजरात में और महाराष्ट्र से भी लोग यहाँ पर मामले खाने के लिए आते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक छोटा सा यहाँ एक कोशिश की है कि यहाँ पर हम लोगों ने ये रेस्टोरेंट चालू किया है। छोटी सी जगह आप देख सकते हैं, लेकिन माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, और हर कम्युनिटी के लोग यहाँ पर आते हैं, जो लोग नॉनवेज के शौकीन हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि हम अच्छा फूड खाएं, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ ऑथेंटिक फूड आपको मिलेगा। हम लोग कलर्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं बाकी सब चीज़ों में जिस तरह से होता है, यहाँ पर बिल्कुल आपको प्योर फूड मिलेगा, जिससे आपकी हम हेल्थ कॉन्शियस भी हैं, ताकि आपको सफाई आप देख सकते हैं, आप कहीं भी नज़र मार लो गारंटी है। कोशिश हम लोग ये करते हैं कि आने वाले कस्टमर को हम जितना हो सके सफाई दें, उनको अच्छी सर्विस दें और अच्छा एम्बियंस दें। हम लोगों ने कोशिश वो की है। टेस्ट में कभी 19-20 हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं इंसान बनाते हैं तो कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम अच्छी सर्विस दे सकें और एक फैमिली तुमको एटमोसफियर मिल सके, ये हमारी कोशिश है और वो कोशिश हम लोग कर रहे हैं। और आप बाकी आप जितने भी लोगों की दुआ रहेगी तो इंशाल्लाह आगे कामयाबी मिलेगी। और टेस्ट तो जब तक आप आएंगे नहीं तब तक आपको हम एक्सप्लेन कर नहीं सकते हैं, तो उसके लिए आपको एक बार यहाँ अलीफ होटल पे आना पड़ेगा, और टेस्ट करने के बाद ही फिर आपसे का जो भी रिव्यू होगा या आपका जो सजेशन होगा उसके मुताबिक हम लोग फिर आगे काम कर सकेंगे फ्यूचर में। और हमारी ये कोशिश है कि हम अच्छे से अच्छा फूड प्रोवाइड कर सकें, अच्छे से अच्छा एम्बियंस प्रोवाइड कर सकें, ताकि यहाँ के और आजू बाजू के जितने भी लोग जो फूड लवर्स हैं उनको हम अच्छे से अच्छा खाना दे सकें, वो हमारी कोशिश है। फिर से एक मरतबा आप देख रहे हैं यहाँ पे हम लोगों ने पार्टी प्लॉट का भी इंतज़ाम किया है, ताकि छोटी मोटी जो भी बर्थडे पार्टीज होती हैं या मैरिज एनिवर्सरीज की पार्टीज होती हैं, आप 300-400 आदमी का वहाँ पर आप अरेंजमेंट यहाँ पे हम आपको करके देंगे। उसके साथ में हमारी आगे कोशिश भी है कि वहाँ पर भी एक मैरिज के सिलसिले में भी आप लोग यहाँ पर हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम लोग 500-1000 आदमी का जो भी आपका मैरिज का फंक्शन है उसको भी हम आपको यहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड कर जी सर, सकते हैं। कांटेक्ट कहाँ करेंगे वो भी बता दीजिए। हाँ, हमारे कार्ड्स पे हमारे यहाँ पे दर्शकों को हमें बताना पड़ेगा कि यहाँ पे एग्जिट ये अलीफ होटल कहाँ पे अलीफ है। होटल अगर आप देखेंगे चिखली, अगर आप आएंगे तो यहाँ पर हमारे यहाँ लैंडमार्क जो है वसुधरा डेयरी है। वसुधरा डेयरी ऑल ओवर इंडिया में फेमस है और खासकर साउथ गुजरात में। तो
वहाँ वसुधारा डेयरी से अगर आप आगे सूरत टूवर्ड्स द सूरत अगर आप आएंगे बॉम्बे की तरफ जाएंगे तो सर्विस रोड पर डेयरी से बिल्कुल नज़दीक में एक मिनट के नेशनल हाईवे नंबर 48 पर एक मिनट के डिस्टेंस पे आपको ये अलीफ होटल यहाँ पर मिलेगा। ये टूवर्ड्स सूरत टू बॉम्बे, बॉम्बे हाईवे पर ये अलीफ होटल है। उसके साथ में लैंडमार्क में प्रिंस होटल भी है, बिसाइड ऑफ प्रिंस होटल, और जो भी आपको अल्फा होटल जो है आपका वो भी एक लैंडमार्क है हमारे यहाँ पर, क्योंकि जितना भी वेजिस जो हमारे फूड लवर्स हैं वो लोग अल्फा होटल पे रुकते हैं। तो अल्फा होटल के बिल्कुल सामने एग्जैक्ट अपोजिट ये अलीफ होटल आई है। तो हम आपको फिर से इनवाइट करते हैं जितने भी फूड लवर्स हैं, एक बार आप आइए और आप आकर विजिट करें, और जब तक आप टेस्ट करेंगे नहीं तब तक आपको टेस्ट का पता नहीं चलेगा। बाकी जो भी चीज़ें आप वीडियो में देख सकते हैं कि हम लोग ने छोटी सी कोशिश की है कि यहाँ पर हम लोग आपको प्रोवाइड कर सके। यहाँ पर हमारे दो बच्चे हैं नकी अजीम और तमीम कादरी, उनके फ़ोन कॉन्टेक्ट नंबर भी हैं 7016780360 और तमीम कादरी का नंबर है 7990099681। आप इस पर भी कॉन्टेक्ट कर आपका प्री ऑर्डर कर सकते हैं और प्री बुकिंग करा सकते हैं, और आप कभी भी मॉर्निंग में 11 से लेकर रात को 12 बजे तक 1 बजे तक जब तक के क्राउड है तब तक हम सर्विस देने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग आइए और विजिट करें, और फिर से मैं आप सबका जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं और ये खास हमारी कैमरा की टीम और जितनी भी हमारी ये टीम है मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये जो भी है कवरेज किया। जफर भाई और उनकी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू वेरी मच जफर साहब। एक मेन चीज़ है, जिनको भी सर्च करना है वो सिर्फ अलिफ चिकन चिखली अगर आप सर्च करोगे गूगल के ऊपर तो आपको पूरा एड्रेस के साथ सब कुछ मिल जाएगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको फ़ोन नंबर वहाँ पे मिल जाएगा, अगर आपको डायरेक्ट फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेकर या अगर आपको कुछ रिक्वायरमेंट है या स्पेशल कोई चीज़ खाना हो तो आप पहले से आप फ़ोन करके भी हमसे प्रायर आप लोग ऑर्डर दे सकते हैं, तो आपके आपका जो ऑर्डर है वो आप आओगे तब तक के वो रेडी रहेगा। तो ये भी एक फैसिलिटीज़ है कि आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और एक बात, अगर किसी को ग्रुप बुकिंग करनी है तो वो कैसे कर सकता है वो भी बता दीजिए जी। ग्रुप लोगों की होगी, ग्रुप बुकिंग कितने भी हो 100 से लेके 100-500 तक के हम लोग कर सकते हैं, या अरेंजमेंट है बैठ सकते हैं यहाँ पे फिलहाल। और जस्ट डायल में भी हमारा बुक है, आप जस्ट डायल में भी सर्च करोगे अलिफ चिकन तो आपको पूरा डिटेल सारी मिल जाएगी मैप के साथ में। तो आप जो नंबर साथ में दिए हैं उसके ऊपर आप सर्च कर सकते हैं, या आप गूगल पे आप सर्च कर लीजिए। और जो भी है हमारे जो दोनों ऑर्गेनाइज़र यहाँ मेन हैं मिस्टर नकी अजीम और तमीम कादरी, ये दोनों यहाँ पे हैं, और एनी टाइम आप कॉल कर सकते हैं और उनसे आप अपना जो भी मेनू है वो आप डिसाइड कर सकते हो और आप प्रायर ऑर्डर भी दे सकते हो। थैंक यू जी। तो ये हमने आज मुलाकात करवाई अलीफ चिकन मामना जो चिकली में आया हुआ है। ज़रूर एक बार अगर आप नॉनवेज फूड के एकदम से आशिक है या नॉनवेज फूड खाना चाहते हैं तो ज़रूर एक बार यहाँ पे आके विजिट कीजिएगा, और ऐसे ही हम दूसरे लोगों के साथ मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, और एक बार अगेन आप देख लीजिए कि यहाँ पे जिस तरह से माहौल है, अभी भी आज संडे है और काफ़ी भीड़ है। आप यहाँ का किचन भी देख सकते हैं कि जिस तरह से किचन में काम हो रहा है वो भी आप देख सकते हैं। और थैंक यू सो मच, वापस मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। मेरा नाम हनीफ मेहमान है, मैं बिल्लीमोरा से आ रहा हूँ, और मैं यहाँ अलीफ होटल में अलीफ में आता हूँ रेगुलरली, और यहाँ का खाना बेहतरीन है। सैयद अबरार बाबा के अंडर में ये अलीफ यहाँ पे हाईवे पे होटल चल रही है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना है, और रेगुलर मेरी विजिट होती है। मेरी फैमिली के साथ आया हूँ, पूरी फैमिली यहाँ बैठी है साथ में, और बेहतरीन और बहुत अच्छा खाना होता है यहाँ का। यहाँ की कौन सी वैरायटी आपको अच्छी लगी? यहाँ के अलीफ मामड़े जो बनते हैं, और
अपने जो टंगड़ी जो बनती है मसाले वाली, बहुत अच्छी बनती है। और अभी फिलहाल लास्ट टाइम मैं आया था तो यहाँ पर इन्होंने अभी अपने चाइनीज आइटम भी चालू किए, तो उसके अंदर चिकन फ्राइड राइस बहुत अच्छे बने थे, एकदम बॉम्बे के जैसा टेस्ट बना हुआ था, तो बहुत बेहतरीन है। और यहाँ का जो लोकेशन है उस हिसाब से क्या है, बच्चे लोग के साथ आने में भी यहाँ अच्छा लगता है, और हमारी तो रेगुलर विजिट रहती है यहाँ पे, फैमिली के साथ फंक्शन, कुछ छोटे छोटे फंक्शन भी होते हैं, बर्थडे पार्टी वगैरह यहाँ करते रहते हैं हम लोग। हेलो सूरत, गुड इवनिंग, मैं हूँ धर्मेश, धर्मेश डुमसिया, और ये मेरी वाइफ पूजा, पूजा डुमसिया, और मैं और मेरी फैमिली आज हम चिखली के पास एलिफ होटल है जो बहुत अच्छी है, पता है क्यों? क्योंकि नॉनवेज के लिए, और मैं नॉनवेज लवर्स हूँ, और मेरी वाइफ को भी नॉनवेज पसंद है, मेरे बेटे को भी, ये तो आज बहुत अच्छे से नॉनवेज खा रहा था, बहुत मज़ा है उसको नॉनवेज खाने के लिए। तो मैं तो सूरती, जो हमारे जो सूरती लाला है जो नॉनवेज लवर्स है, उनको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप मुंबई जाते हो तो चिखली के पास है अलिफ होटल जो बहुत फेमस है मामना के लिए, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप एक बार ज़रूर यहाँ पे विज़िट करें। क्यों पता है? क्योंकि यहाँ का जो फूड है बहुत अच्छा है, यहाँ का सबसे अच्छा, जो मेरे बेटे को पसंद है, यहाँ को बच्चे को खेलने के लिए बहुत अच्छी प्लेस है, और ये कब का भाग रहा है, क्योंकि उसको बहुत इंजॉय है, और हम भी यहाँ पे फ्रीली बैठ के खाना इंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे म्यूज़िक से बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ का फूड जो सबसे बढ़िया है वो बहुत अच्छा है, यहाँ पे सर्विसिंग भी बहुत अच्छे, और आप देख सकते हो मेरे पीछे जो बैठने के लिए स्टैंड है वो भी बहुत अच्छे है, यहाँ पे हट्स बना हुए है, कुछ बच्चों के लिए खेलने के लिए सेल्फी स्टैंड है, बहुत कुछ है। तो मैं सारे सूरती से बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ एक बार आप ज़रूर आना चिखली के पास एलिफ होटल में, थैंक यू। नमस्कार, हूँ मनीष बदामी, सूरत थी, हूँ मारा फैमिली साथ है, आजे स्पेशल रविवार ना दिवस है, अलिफ चिकन मामना जे चिखली बॉम्बे हाईवे पर आवी छे, त्या हूँ स्पेशल आजे अहीं डिनर माते आव्यो हतो, तो मने मारा मित्रे कहेवामां आव्युं हतुं कि भाई एक वार मुलाकात तमे चिखली जशो तो अलिफ चिकन मामना में जजो, तो आजे स्पेशल हूँ मारा फेमिली साथे आव्यो हतो, तो अहीं आवीने अहींनुं वातावरण पहला तो मने खूब ज गम्युं, अने एटलुं सरस मजानुं वातावरण छे, एटलुं फाइन लोकेशन छे जे बनावट छे, पछी ज्यारे अमे अहीं रियलमां खावा बेठा त्यारे तो चिकन मामना, चिकन टिक्का, पछी एनी स्पेशलिटी जे दहीमां चिकन हतुं ए बहु ज मजानुं हतुं, अने एक बारसा फिश जे आजे अमे अहीं खाधी ए पण बहु टेस्टी हती, अहींनुं खूब सरस वातावरण छे, अने अहींनु फूड पर नाइस छे, बहु मजा आवी अमने, एटले हूँ सूरतना बधाने विनंती करीश के